मथुरा नशे में धुत रसूखदारों की दबंग गई कैमरे में कैद। नशेबाज रसूखखोर ने 12 वर्षीय बच्चे को रौंदा। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से की मारपीट, कैमरे पर मारा हाथ। झांसी जेल में बंद अशोक दीक्षित नामक बदमाश को बताया दामाद। अशोक दीक्षित से उठवाने और मरवाने की दी धमकी। हाथरस के रहने वाले है रसूखदार नीरज शर्मा व अनुज शर्मा। नीरज पुणे में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो दूसरा बताया जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर। पुलिस कर्मियों के सामने ही रसूखदार देते रहे धमकी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बनी रहे मूक दर्शक। थाना कोतवाली के कृष्णा नगर बिजली घर के सामने का मामला। मथुरा गोवर्धन से हमारे संवाददाता तेजस शर्मा की खास रिपोर्ट। सामने से हट जाना, गरीब आदमी कहाँ से पैसे पाओगे? क्या बात है, क्या बात है, हम मुझे अभी भी आगे हमारे पे हमें जाने की जरूरत है। हमारा काम जी है, बदतमीजी मत कराओ, थप्पड़ मार सकता हूँ मैं किसके, ठीक है? तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है आप? मैं चुपचाप बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तो बदतमीजी करो। कौन कौन है आप? पूरी नहीं है भैया, भैया 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 झुमक कैसे तेरी झुकानी वाली से बोलो यार। पत्रकार क्या करते झांसी जेल में? वो नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या करते झांसी जेल में? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। फोटो खींचते हैं झांसी जेल में, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आपने हाथ जोड़ के आप बताओ, धमकी हमें नहीं, नहीं धमकी कोई नहीं है झांसी जेल में? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो हमसे कह रहे घर से, अरे नहीं आपने हाथ जोड़ के बताओ भैया, तुम लोग गाड़ी चला के जा रहे, आप हम घर से बताओ। नहीं मेरी बात बताओ, एक्चुअल क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मेरा बेटा आया सौदा लेने के लिए, मेरी बहन का छोरा है, वो सौदा लेने के लिए आया। तुम बड़े लोग गाड़ी चलाते हो, ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो, एकदम ब्रेक में करते हो। तुम्हारी जो पैसों की पावर है, ताकत है, वो गरीबों की कोई इज्जत ना है, गरीब के बच्चे ना है, है? गरीब के बच्चे ना है, गरीब के बच्चे है, मेहनत से खून पसीने से खींच खींच के निकालते हैं। ये बड़े लोग को क्या करते हैं? भर लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले गए, अच्छी चीजों में चले गए।